सॉरी टाउ इज इक्वल टू आर इंटू सी, बट ये वन अपॉन आर सी टर्म क्या होगी, ये डी टी है, ये टाइम की इक्वेशन है, टाइम टाइम कैंसिल आउट हुआ, तभी तो आपको वोल्टेज, अगर आउटपुट में वोल्टेज मिल रहा है तो इसकी यूनिट भी तो वोल्टेज होनी चाहिए। इसकी यूनिट वोल्टेज इंटू सेकेंड कैसे हो सकती है, यूनिट क्या होगी, सिर्फ वोल्टेज होगी, और वो सेटिस्फाई कैसे हो रहा है, ये देखिए, ये डी टी, टी की यूनिट क्या है, सेकेंड, जो ऊपर न्यूमरेटर में प्रेजेंट है वो है वोल्टेज इंटू सेकेंड, और डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है आर इंटू सी, तो आर इंटू सी की यूनिट क्या है, सेकेंड, क्योंकि ये टाइम कॉन्स्टेंट होता है, टाइम को डिनोट करता है, तो यहाँ से डी टी और ये सेकेंड सेकेंड कैंसिल आउट हुआ, तभी तो आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू इनपुट वोल्टेज होगा। इज इट क्लियर, मतलब ये एक दूसरा तरीका था ये समझने का कि हाँ हमें यहाँ पे अगर आउटपुट में वोल्टेज मिल रहा है तो उस वोल्टेज की इक्वेशन में हमें सिर्फ वोल्टेज मिल रहा है आखिरी में, ना कि वोल्टेज इनटू सेकंड या वोल्टेज डिवाइडेड बाय सेकंड। क्लियर है, ये था एक जनरल इक्वेशन, मतलब सबसे बेसिक इक्वेशन इंटीग्रेटर सर्किट की, कि अगर आपसे इंटीग्रेटर पूछा गया तो आपसे इंटीग्रेटर सर्किट ड्रॉ करना है, उसका ये डेरिवेशन करना है, आउटपुट की इक्वेशन निकालनी है। बट अब इस सर्किट में भी बहुत सारे ड्रॉबैक हैं, जो कि अभी हम लोग को देखना है क्या ड्रॉबैक है, कैसे हैं, इसको अभी लोग समझते हैं। सबसे पहले तो एग्जांपल देखिए, ये दो एग्जांपल दिए हुए हैं, ये इनपुट है, ये इनपुट की इक्वेशन है, ये आउटपुट की इक्वेशन है, ठीक है। यहाँ पे एक तो ये चीज समझनी है कि आउटपुट हमारा इन्वर्टेड होगा प्लस इंटीग्रेटेड होगा, दो फंक्शन हो रहे हैं, क्यों, क्योंकि 180 डिग्री शिफ्टेड सिग्नल भी मिल रहा है और साथ ही साथ इंटीग्रेशन के बाद मिल रहा है। तो ये दिया गया है एक स्क्वायर पल्स, तो स्क्वायर पल्स से हमें मिल रहा है ट्रायंगुलर, तो स्क्वायर का जो पल्स है उसका जो मैग्नीट्यूड मैक्सिमम रहा है वही उसका स्लोप हो जाता है जो ट्रायंगुलर सिग्नल हमें मिलने वाला है। पर यहाँ पे ये सब डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्यों है, क्योंकि नेगेटिव साइन के साथ हमने इन्वर्टिंग टर्मिनल पे इनपुट दिया है, तो आउटपुट हमें जो मिलेगा वो इन्वर्टिंग टर्मिनल की वजह से, मतलब नेगेटिव 180 डिग्री फेज शिफ्ट की वजह से सारे के सारे हमें माइनस साइन के साथ मिल रहे हैं। सिमिलरली ये एक साइनोसॉइडल सिग्नल है जो कि आपके इंटीग्रेशन कोसाइन सिग्नल में कन्वर्ट हो जाएगा, बट ये भी पूरा का पूरा हमें नेगेटिव साइड में मिलने वाला है। इज इट क्लियर, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था, ये भी आप लोगों को प्रॉपर समझ में आना चाहिए, इससे सिग्नल्स को सॉल्व करना आसान हो जाता है, ठीक है, क्लियर है सभी को। मैम एक बार ये और बता दीजिए, ये देखिए, ये इनपुट दिया हमने स्क्वायर, ठीक है, टाइम में कोई चेंज नहीं होने वाला, ये समझिएगा, मतलब ये जो एक्सिस है इसमें कोई भी चेंज नहीं होने वाला है, जो भी चेंज होगा सिर्फ एम्पलीट्यूड के लेवल पे होगा चेंज। तो ये स्क्वायर इंटीग्रेट होकर के कन्वर्ट हो जाए, बन जाएगी किस फॉर्म में, ट्रायंगुलर फॉर्म में, लेकिन ये सारे के सारे हमें नेगेटिव साइड में इसलिए मिल रहे हैं, और इसका ये जो एम्पलीट्यूड है ये डिपेंड करता है, जब आप लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 1/RC टर्म तो उससे ये एम्पलीट्यूड आएगा, कि इसका 0.5 आ रहा है या क्या आ रहा है, वैल्यू डिपेंड करेगा उस पर। तो इससे ये आपका ट्रायंगुलर सिग्नल निकल करके आया। सिमिलरली एक साइनोसॉइडल सिग्नल है जिसको कि इंटीग्रेट करेंगे तो हमें कोसाइन सिग्नल मिलेगा। इज इट क्लियर, क्लियर है सभी को, कोई डाउट हो तो बताइए। यस मैम, ठीक है, तो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब दूसरे तरीके से हम इसी इंटीग्रेटर सर्किट के गेन को डिराइव करते हैं। अभी हमने आउटपुट निकाला, अब हमें इसका गेन निकालना है। गेन और आउटपुट में क्या फर्क है बताइए, गेन और आउटपुट में क्या फर्क है, गेन और आउटपुट में फर्क है कोई या नहीं, गेन और आउटपुट में डिफरेंस, एनीवन, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई तो बताइए,
गेन मैम गेन यूनिट लॉस हो यस गेन क्या गेन गेन किसको रिलेट यूनिट लॉस यूनिट हाँ गेन यूनिट लेस है यस और आउटपुट वोल्टेज की एक इक्वेशन होती है बट मैं जो डिफरेंस पूछ रही हूँ मैं ये पूछ रही हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आता है कि जो गेन है गेन से ही हम आउटपुट निकालते हैं क्योंकि ये ए आपका एक गेन है विच इज यूनिट लेस फॉर वोल्टेज एम्पलीफायर या करंट अगर दूसरा कोई एम्पलीफायर है तो उसकी पर्टिकुलर यूनिट होगी लेकिन जो आउटपुट वोल्टेज है वो गेन इंटू इनपुट से आता है ये है ये फर्क है मतलब गेन अगर आपको पता है सो वी कैन डिराइव द आउटपुट वोल्टेज इजीली बाय मल्टीप्लाइंग द इनपुट वोल्टेज इनटू गेन ये रिलेशन है तो अब हम इसका गेन निकालेंगे यूजिंग एक स्टैंडर्ड फॉर्म जो अभी हमने अभी तक इन्वर्टिंग सर्किट यूज किया था कि उसका गेन होता है माइनस आर एफ बाय आर वन एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का हमें पता है उसको हमने स्टैंडर्डाइज कर दिया जेड एफ बाय जेड वन के फॉर्म में मतलब हमने इम्पीडेंस के फॉर्म में ले लिया रेजिस्टेंस से अब हम जेड एफ और जेड वन की वैल्यू पुट करके डायरेक्ट इसका गेन निकालेंगे और वो गेन क्या होगा ये देखिए आर वन तो आर वन ही रहने वाला है बट जो सी एफ है वो रिप्लेस हो जाएगा सी एफ को जब हम जेड एफ के फॉर्म में लिखेंगे तो जेड एफ क्या हो जाएगा आपका क्योंकि हमें पता है कि एक्स सी की वैल्यू क्या होती है वन अपॉन ओमेगा सी तो ZF क्या हो जाएगा 1 upon J omega C और omega को क्या put कर दिया 2 pi F तो उसे 1 upon J 2 pi F C क्या हो गई ZF की value और इसी को ही हम क्या J omega को हम क्या put कर सकते हैं S S is equal to J omega complex frequency यही हमारा और simple form में Laplace form में क्या हो जाएगा minus minus sign तो inverting की वजह से आ रहा है minus 1 upon S C F by R1 और इसी को ही मैम वॉइस नहीं आ रही है
हेलो हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? यस मैम। तो हम लोग अभी गेंद डिराइव कर रहे थे, बीच में क्लास को 5 मिनट के लिए ब्रेक करना पड़ा, उसके लिए सॉरी। जो गेंद की इक्वेशन आएगी बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ जेड एफ एंड जेड वन, वो होगी 1/j ωr1 cf, या तो फिर इसको ही हम इस फॉर्म में s के फॉर्म में लिखेंगे, तो 1/ क्या हो जाएगी अगर s फॉर्म में पुट करें तो s फॉर्म में हो जाएगी इक्वेशन नेगेटिव साइन के साथ 1/sr1 cf, ये होगी आपकी इक्वेशन। और इस इक्वेशन से जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन निकल करके आता है वो ये है कि यहाँ पे इसकी जो ये वाली टर्म है वो टर्म क्या डिनोट करती है कि इंटीग्रेटर सर्किट जब भी किसी भी सिस्टम में लगाया जाएगा तो वो ओरिजिन पे पोल इंट्रोड्यूस करेगा। जे ओमेगा टर्म सिंपल प्रेजेंट है, दैट मींस ये एक पोल है जो कि कहाँ पे प्रेजेंट है, ओरिजिन पे प्रेजेंट है, उसकी लोकेशन ओरिजिन पे है। ये एक्सिस आप लोगों ने पढ़ी होगी, दिस इज जे ओमेगा एक्सिस, और ये एक्सिस होती है, बताइए ये कौन सी एक्सिस है, सिग्मा, यस और नो? वहां पर जे ओमेगा एक्सिस पे ये पोल इंट्रोड्यूस कर रहा है इंटीग्रेटर सर्किट। जैसे ही इंटीग्रेटर सर्किट आपने सिस्टम में लगाया तो वो सिस्टम में ऑटोमेटिकली, और वो भी ये वाला इंटीग्रेटर, मतलब आइडियल इंटीग्रेटर सर्किट है, दिस इज नॉट अ प्रैक्टिकल, हम आइडियल की बात कर रहे हैं, तो वो ओरिजिन पे पोल इंट्रोड्यूस करेगा। और आप लोगों को पता है कि जैसे ही ओरिजिन पे पोल प्रेजेंट होता है वो सिस्टम क्या होता है, स्टेबल या अनस्टेबल। ओरिजिन पे पोल प्रेजेंट होना दैट मींस सिस्टम इज मार्जिनली स्टेबल, अनस्टेबल होगा, क्योंकि पोल कहीं भी हो उसको एक और पोल आपका ओरिजिन पे प्रेजेंट हो जाएगा तो सिस्टम हमारा अनस्टेबल हो जाएगा। इसलिए और इसको एक और तरीके से कैसे समझ सकते हैं, दूसरा तरीका ये है कि इसमें अब आपने अगर ओमेगा इज इक्वल टू जीरो पुट किया, सेम जैसा कि यहाँ दिख रहा है, ओमेगा इज इक्वल टू जीरो पुट किया, तो फॉर ओमेगा इज इक्वल टू जीरो ये गेन आपको इन्फिनिटी वैल्यू देने वाला है। दैट मीन्स ये इंटीग्रेटर सर्किट डीसी सिग्नल के लिए इनफाइनाइट गेन देगा। सो इज इट पॉसिबल टू हैव इनफाइनाइट गेन फॉर एनी डीसी सिग्नल? नो मैम, ऐसा हो सकता है? That means कि ये जो सर्किट हमने अभी अभी पढ़ा आइडियल इंटीग्रेटर सर्किट, वो डीसी सिग्नल मतलब एट जीरो फ्रीक्वेंसी अनस्टेबल है, इससे ये कंक्लूजन निकल करके आया, दिस इज द ऑब्जर्वेशन। इसलिए हमने इसका गेन निकाला, गेन जो कि क्योंकि कैपेसिटर प्रेजेंट है तो ऑटोमेटिकली फ्रीक्वेंसी टर्म तो आने वाली है, कैपेसिटर की वजह से ही पोल पिक्चर में आता है। अब आपको ये में रखना है, मतलब R into C तभी बनेगा जब बनेगा तभी तो पोल पिक्चर में आएगा, और C कभी अकेला आता नहीं है, C के साथ हमेशा फ्रीक्वेंसी टर्म प्रेजेंट रहने वाली है, एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है, तो ओमेगा CF ऑलवेज विल बी प्रेजेंट, और ओमेगा के साथ जैसे ही R प्रेजेंट हुआ तो ये एक पूरा का पूरा पोल बन गया। दैट मींस हमारा सिस्टम जैसे ही इंटीग्रेटर को हमने यूज किया आइडियल इंटीग्रेटर को, तो वो ओरिजिन पे पोल इंट्रोड्यूस कर रहा है और उस पोल की वजह से सिस्टम अनस्टेबल हो जा रहा है, स्पेशली एट जीरो फ्रीक्वेंसी, मतलब लोअर फ्रीक्वेंसी पे ये अनस्टेबल गेन दे रहा है। इनफाइनाइट गेन मतलब कुछ भी गेन मिल रहा है आपको, जो कि हम डिसाइड नहीं कर सकते, हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, बट हमें एक ऐसा सर्किट चाहिए जिससे कि हमें पता हो कि हाँ ये हमें इंटीग्रेशन देगा फॉर अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेंज, जिसकी की फ्रीक्वेंसी भी हमें पता होनी चाहिए कि इनपुट सिग्नल में हम क्या फ्रीक्वेंसी का सिग्नल ले तो हमें आउटपुट में इंटीग्रेटेड सिग्नल मिलेगा। अब उस सर्किट को अगर हमें स्टेबल बनाना है, इस इनफाइनाइट गेन की प्रॉब्लम को रिमूव करना है, तो उस सर्किट में थोड़ा सा चेंज करेंगे, सर्किट को आइडियल से हमने कर दिया क्या प्रैक्टिकल, और इस सीएफ के साथ पैरेलल में लगा दिया एक आरएफ रेजिस्टर, जिससे कि जो पोल इंट्रोड्यूस हो रहा था एट ओरिजिन वो ओरिजिन पे ना इंट्रोड्यूस हो करके किसी दूसरी लोकेशन पे प्रेजेंट होगा। अब देखते हैं कैसे, अभी जो सीएफ टर्म प्रेजेंट थी उसी सीएफ के साथ क्या हो गया, अब पैरेलल में आरएफ भी आ गया, क्योंकि फीडबैक ब्रांच में लग रहा है इसीलिए यहाँ पे एफ सबस्क्रिप्ट में आया हुआ है, अदरवाइज हम कुछ भी यूज कर सकते थे। ये आपका आर1 है, आर1 ले या सिंपल आर ले, कोई इश्यू नहीं है।
ठीक है, तो अब जेड एफ क्या हो जाएगा, जेड एफ विल बी पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सी एफ एन आर एफ, सी एफ एन आर एफ का जब पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व करेंगे तो हमें ऐसी कुछ वैल्यू मिलेगी आर एफ इंटू वन अपॉन एस सी एफ बाई आर एफ प्लस, इसको सॉल्व करें, सॉल्व करेंगे तो हमें एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में ऐसी इक्वेशन निकल करके आती है, वो है माइनस आर एफ बाई आर वन, मतलब जो कि एक स्टैंडर्ड गेन की इक्वेशन है हमें पता है फॉर इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, डिवाइडेड बाय वन प्लस जे ओमेगा सी एफ आर एफ। इससे क्या हुआ कि अभी जो डिनोमिनेटर में हमें सिर्फ क्या मिल रहा था, डिनोमिनेटर में हमें मिल रहा था वन अपॉन जे ओमेगा सी एफ आर वन, सिर्फ इतनी टर्म मिल रही थी, अब हमें क्या मिल रही है वन प्लस जे ओमेगा सी एफ आर एफ। तो उससे अगर इस डिनोमिनेटर से हम निकाले वैल्यू ओमेगा की तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी ओमेगा की, यहाँ से ओमेगा इज इक्वल टू वन अपॉन सी एफ आर एफ, मतलब वो एक पर्टिकुलर लोकेशन पे मिल रहा है पोल, वो भी नेगेटिव साइन के साथ, दैट मींस दिस पोल इज एट द लेफ्ट हैंड साइड, और आपको पता है जब भी पोल लेफ्ट हैंड साइड में होता है तो सिस्टम क्या होता है, स्टेबल। पोल अगर लेफ्ट हैंड साइड में है तो सिस्टम स्टेबल होता है, दैट मींस जैसे ही हमने यहाँ पहले में एक रेजिस्टर लगाया तो वो पोल शिफ्ट हो गया ऑन द लेफ्ट हैंड साइड और सिस्टम अब स्टेबल हो गया है, इज इट क्लियर। और दूसरी तरीके से भी देख लीजिए कि अब अगर इस इक्वेशन में हमने ओमेगा को जीरो पुट किया तो हमें क्या मिलेगी, एट जीरो फ्रीक्वेंसी हमें मैक्सिमम गेन मिलेगा विच इज आर एफ बाय आर, और जैसे जैसे गेन बढ़ेगा तो डिनोमिनेटर भी बढ़ेगा, और अगर डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो जो नॉर्मल गेन की हमने एक ग्राफ हमने पढ़ा है वो ग्राफ फॉलो होता रहेगा कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी गेन रिड्यूस होगा, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर की जो टर्म दिख रही है हमें वो बढ़ती जाएगी, इज इट क्लियर, क्लियर है सभी को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सभी को क्लियर है। yes, तो ये थोड़ा सा चेंज किया है हमने आइडियल इंटीग्रेटर से प्रैक्टिकल इंटीग्रेटर में। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम होता है विच इज लो फ्रीक्वेंसी रोल ऑफ प्रॉब्लम, मतलब एक तो आपने देखा कि स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम होता है एंड दूसरा इज रोल ऑफ, रोल ऑफ का प्रॉब्लम मतलब गेन जो है हमारा फ्रीक्वेंसी के साथ बहुत जल्दी डिक्रीज हो रहा है, इतनी जल्दी डिक्रीज हो रहा है कि हम उसको किसी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में यूज नहीं कर पा रहे हैं, इसको भी हमें रिड्यूस करना है, मतलब कि आप ये ग्राफ देखिए, अभी आपको एक ग्राफ जो प्रैक्टिकल इंटीग्रेटर है उसका गेन वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ ऐसा है, दिस मतलब कि लीनियरली रिड्यूस हो रहा है, और अगर लीनियरली रिड्यूस हो रहा है तो हम इसे एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए यूज नहीं कर सकते क्योंकि गेन हमारा किसी एक इंस्टेंट पे फिक्स है ही नहीं कि एक रेंज के लिए एक कॉन्स्टेंट गेन मिले, ऐसा हो ही नहीं रहा है, दिख रहा है सभी को, दिख रहा है सभी को या नहीं, ये जो हमें ग्राफ है ये ऐसा डिक्रीजिंग मिल रहा है, दैट मींस कि ये ग्राफ किसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे टिक ही नहीं रहा है कि हमें उस हमें एक फिक्स गेन मिले फॉर अ रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी कि हम उस रेंज में उसको ऑपरेट कर सकें, तो मतलब कि अभी भी इस प्रैक्टिकल इंटीग्रेटर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है जिसको कि हमें रेक्टिफाई करना है, मतलब इस प्रॉब्लम को क्या बोल रहे हैं, रोल ऑफ प्रॉब्लम, मतलब गेन जैसे ही फ्रीक्वेंसी के साथ रिड्यूस हो रहा है उसको बोलते हैं रोल ऑफ प्रॉब्लम, इसको हटाने के लिए एक दूसरा करेक्शन करना होगा हमें सर्किट में जिसकी वजह से हमें ऐसा ग्राफ मिले, हमें ऐसा कुछ ग्राफ मिले, ये जो दिख रहा है ना ये 40 से ये वाला ये ग्राफ, मतलब गेन हमारा रिड्यूस हो लेकिन पहले एक कॉन्स्टेंट गेन तो मिले कुछ फ्रीक्वेंसी तक ताकि हम उस पर्टिकुलर मतलब जो ब्रेक फ्रीक्वेंसी वाला पॉइंट है इसमें तो है ही नहीं कहीं ब्रेक फ्रीक्वेंसी तो कहीं मिल ही नहीं रही है, डायरेक्ट गेन हमारा यूनिटी हो जा रहा है, तो ब्रेक फ्रीक्वेंसी तक हमारा गेन कांस्टेंट रहे तो वो ब्रेक फ्रीक्वेंसी वाला पॉइंट है ही नहीं, उसको हमें अपने सर्किट में इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, तो उसके लिए इस प्रैक्टिकल इंटीग्रेटर में एक और चेंज लाना पड़ेगा जिसको कि अब देखते हैं कैसे क्या चेंज लाना है, सर्किट कहाँ है, सर्किट बना हुआ है या नहीं,
हाँ, ये जो पॉइंट है वो पॉइंट एक्चुअली उसी मॉडिफिकेशन से आ गया है। वो कैसे आया है ये देखिए, अभी जो हमने गेन निकाला है वो है आर एफ बाई आर डिवाइडेड बाई वन प्लस ओमेगा स्क्वायर आर एफ सी एफ का स्क्वायर, मतलब ये मैग्नीट्यूड वैल्यू मॉड वैल्यू है। तो इसमें जो डिनोमिनेटर हमें मिल रहा है उस डिनोमिनेटर से एक फ्रीक्वेंसी निकल कर आ रही है विच इज वन अपॉन ओमेगा, मतलब अगर एक पोल के फॉर्म में लिया जाए वन अपॉन जे ओमेगा आर एफ सी एफ, ये क्वेश्चन है। इससे हमें जो ओमेगा की वैल्यू मिलेगी वो ओमेगा की वैल्यू वन अपॉन आर एफ सी एफ है। वन अपॉन आर एफ सी एफ को ही क्या नाम दिया गया, एफ ए, मतलब वो फ्रीक्वेंसी, दिस इज द फर्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, मतलब उस मॉडिफिकेशन के बाद ही जो हमारा गेन है वो ऐसा कम हो जाएगा, और जहां से गेन रिड्यूस होना स्टार्ट हो रहा है वो फ्रीक्वेंसी को नाम दिया एफ ए, दिस इज द फर्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, और इसकी वैल्यू क्या है, वन अपॉन टू पाई आर एफ इंटू सी एफ। आर एफ वो रजिस्टर जो की कैपेसिटर के साथ पैरेलल में लगाया गया है इंटेंशनली ताकि गेन जो है लोअर फ्रीक्वेंसी पे स्टेबल हो सके, साथ ही साथ रोल ऑफ का प्रॉब्लम रिमूव हो सके। ठीक है, ये फर्स्ट फ्रीक्वेंसी निकल करके आई, उसके बाद इस फर्स्ट फ्रीक्वेंसी पे ही हमें वो पॉइंट अब देखना होगा कि गेन अगर 1/√2 टाइम्स रिड्यूस हो जाता है, मतलब 3 dB फ्रीक्वेंसी वाला जो पॉइंट है उस पर हमें निकालना होगा। तो वो कैसे निकलेगा ये देखते हैं अभी। समझ आ रहा है आप लोगों को या नहीं? कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो बताइए। समझ आ रहा है, यस और नो? यस मैम। नहीं आ रहा। अब ये जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है ये आपको कहां कैसे मिली? फर्स्ट ब्रेक फ्रीक्वेंसी है, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, वो फ्रीक्वेंसी जहां पे गेन जो है हमारा 3 dB रिड्यूस हो जाता है। गेन 3 dB रिड्यूस हो जाने का मतलब गेन अपनी मैक्सिमम वैल्यू का √2 टाइम्स हो जाता है। तो अगर हमने गेन की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दी तो डेफिनेटली हमें क्या मिलेगा, वो फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी जहां पे कि हमें ये गेन मिला है। तो उसको डिराइव करते हैं, कैसे डिराइव किया है, ये है आपका गेन इज इक्वल टू आर एफ बाई आर डिवाइडेड बाई वन प्लस ओमेगा बाई ओमेगा ए। ओमेगा ए नाम से पुट कर दिया है हमने किसको, वन अपॉन सी एफ आर एफ को ओमेगा ए से रिप्लेस कर दिया है। अब ए को हमें ओमेगा ए पे क्या मिलेगा, मैक्सिमम अपनी मैक्सिमम वैल्यू का √2 टाइम्स, मतलब 3 dB वैल्यू वाली फ्रीक्वेंसी है ये अगर, और उसको हमें डिराइव करना है। तो हमने इसको क्या पुट किया, मैक्सिमम डिवाइडेड बाय √2, मतलब आर एफ बाय आर डिवाइडेड बाय √2 इज इक्वल्स टू जो गेन की वैल्यू है हमारी, आर एफ बाय आर डिवाइडेड बाय जो भी गेन की इक्वेशन है। उस गेन की इक्वेशन में जब आगे आप लोग सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये जो ओमेगा की वैल्यू है, ओमेगा ए की वैल्यू, वो 1/RFCF मिलती है। 1/RFCF मतलब सर्किट में जो फीडबैक ब्रांच में रेजिस्टर और कैपेसिटर लगा हुआ है उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इंटू 2π, दिस इज दी एफ ए, मतलब फर्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, सर्किट का एक ही कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है। हालांकि जब डिफरेंशिएटर पढ़ेंगे तो अभी जो मैं बात कर रही थी कि और सर्किट में मॉडिफिकेशन करना है तो डिफरेंशिएटर के केस में आएगा, इंटीग्रेटर के केस में नहीं आता है। तो वहां पे दो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी होती है उसको तब देखेंगे। यहाँ पे सिर्फ एक ही कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है, मतलब स्लोप जो अभी ग्राफ अभी हमने देखा, आइडियली जो ग्राफ था वो ऐसा था जो कि हमारे काम का नहीं था, बट उस आइडियल ग्राफ में थोड़ा सा चेंज किया। क्या चेंज किया कि जो सी एफ है, सी एफ के साथ एक आर एफ रजिस्टर लगा दिया जिसकी वजह से अब जो गेन है वो ऐसा हो गया, मतलब लोअर गेन थोड़ा कम तो हो गया लेकिन वो एक स्टेबल वैल्यू पे आ गया है और सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे ही वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू से रिड्यूस हो रहा है। वो जो फ्रीक्वेंसी है उसको डिनोट किया हमने एफ ए, या तो फिर 3 dB कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, जिसकी वैल्यू क्या निकाली गई, 1/2π आर एफ इंटू सी एफ। और अभी भी एक और फ्रीक्वेंसी का पॉइंट है, वो पॉइंट जहां पे कि गेन क्या हो रहा है, ये तो वो पॉइंट था जहां पे गेन अपनी मैक्सिमम वैल्यू का √2 टाइम्स हो रहा था। अब वो पॉइंट जहां पे कि गेन अपनी मैक्सिमम वैल्यू का क्या हो जाएगा, कुछ नहीं हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यूनिटी गेन वाला पॉइंट अब हमें निकालना है, मतलब वो फ्रीक्वेंसी जहां पे कि गेन की वैल्यू यूनिटी हो जाएगी, अब वो डिराइव करनी है। क्लियर है सभी को?
ये पॉइंट क्लियर है? ये पॉइंट क्लियर है सभी को या नहीं? ठीक है, तो अब वो फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो ये टास्क आप लोग को दिया जाता है, वो फ्रीक्वेंसी का पॉइंट आप निकालिए और अभी बताइए मुझे 5 मिनट में। जैसे कि अभी हमने ये एफ ए फ्रीक्वेंसी निकाली है बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए, ए को हमने रिप्लेस कर दिया है किससे, ए मैक्स डिवाइडेड बाय रूट टू से। सिमिलरली अब आपको वो फ्रीक्वेंसी निकालनी है, और दूसरे साइड में क्या चेंज आ गया था, लेफ्ट हैंड साइड ये हो गया, राइट हैंड साइड में तो जो इक्वेशन है, इक्वेशन अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ इक्वेशन क्या है, उसमें अब आप लोगों को क्या वैल्यू पुट करनी है, ये आपकी इक्वेशन थी, ठीक है, ये इक्वेशन है आपकी आर एफ बाय आर वन प्लस ओमेगा स्क्वायर सी एफ आर एफ का स्क्वायर। अब यहाँ पे चेंज क्या किया है, चेंज ये ओमेगा कौन सी फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा जो सिग्नल हम अप्लाई कर रहे हैं, इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि ओमेगा कहाँ से आ गया, ओमेगा तो जो सिग्नल हम दे रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी है, अननोन फ्रीक्वेंसी, बट सी एफ इंटू आर एफ टर्म भी तो प्रेजेंट हो रही है, जिसकी यूनिट क्या होती है हमें पता है टी, तो वन अपॉन टी क्या हो जाएगी फ्रीक्वेंसी, तो वन अपॉन ओमेगा की यूनिट क्या होगी टाइम, तो इसको हमने क्या कर दिया ओमेगा की ओमेगा को रिप्लेस कर दिया है आर एफ इंटू सी एफ को रिप्लेस कर दिया है ओमेगा से, मतलब वन अपॉन ओमेगा से, तो सेम इक्वेशन आपकी इस फॉर्म में आ गई है। अब आपको कुछ नहीं करना है, एक दूसरी फ्रीक्वेंसी निकालनी है जिसको कि हमने एफ बी से डिनोट किया है, किससे डिनोट किया है एफ बी से या तो फिर ओमेगा बी से, अब आपको उसकी वैल्यू निकालनी है, उसके लिए आपको यहाँ पे ओमेगा बाय ओमेगा ए का स्क्वायर की जगह पे ओमेगा बी का स्क्वायर करना है, और उस पॉइंट पे निकालना है जहां पे कि गेन वन हो रहा है, निकाल सकते हैं क्या वो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकाल सकते हैं आप लोग, अगर निकाल सकते हैं तो निकाल के मुझे अभी इक्वेशन अभी वैल्यू बताइए। समझ आ रहा है या नहीं समझ आ रहा है? कोई तो बोलिए कुछ समझ आ रहा है या नहीं? एनीवन? कोई भी नहीं बोल रहे हैं, क्लास में प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है? मैम डब्लू ओमेगा बी इक्वल टू अंडर रूट आर एफ अपॉन आर का होल स्क्वायर माइनस वन। आ आ ये अंडर रूट कैसे आ जाएगा बेटा, ओमेगा तो सिर्फ आपका वन अपॉन आर सी के फॉर्म में आएगा ना, सिर्फ वन अपॉन आर सी के फॉर्म में आएगा, तो थोड़ा अच्छे से सॉल्व करिए। हाँ मतलब आपने जरूर वन प्लस उसको आगे किया होगा तो इसलिए ऐसा कुछ आ रहा होगा, मैं भी समझ सकती हूँ। मैं क्या इक्वेशन आ रही है आपकी बताइए गौरव। मैम ओमेगा बी इक्वल टू अंडर रूट आर एफ अपॉन आर का होल स्क्वायर माइनस वन। हाँ थोड़ा अब इसको देख ले, जिन्होंने सॉल्व और किसी ने कुछ सॉल्व किया है या नहीं किया, कुछ नहीं करना है, मैथमेटिकल फॉर्म में फॉर्मूले में भी तो रखना है, इतना भी नहीं कर रहे हैं आप लोग, किसी ने किया कुछ और डिराइव किया, किसी ने भी नहीं किया, नेक्स्ट जो अभी सॉल्व करने के लिए मैंने बोला था वो यही बोला है कि अब आपको कुछ नहीं करना है, जो गेन है आपका गेन इज इक्वल टू आर एफ बाई आर डिवाइडेड बाई वन प्लस ओमेगा बी स्क्वायर आर एफ सी एफ का स्क्वायर हो जाएगा, इसको आगे सॉल्व करना है, शायद थोड़ा सा कुछ दूसरा बताया मैंने, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ चेंज करना है आपको, ओमेगा बी स्क्वायर आर एफ सी एफ मतलब वो फ्रिक्वेंसी जहाँ पे की गेन की वैल्यू वन होने वाली है, वहां से
आपकी वैल्यू आएगी आर एफ बाय आर, यहाँ इसको वन रिप्लेस करेंगे क्योंकि गेन की वैल्यू हमें वन मिलने वाली है, यहाँ से आर एफ आर का स्क्वायर, और इसको आगे सॉल्व करेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आपको ऐसा कुछ मिलेगा, आर एफ बाय आर का स्क्वायर इज इक्वल टू वन अपॉन, ये आपका डिनोमिनेटर से हटके न्यूमरेटर में आ जाएगा, और यहाँ पे वन प्लस टर्म प्रेजेंट है, वन प्लस से हमें वन को निग्लेक्ट करना है क्योंकि ये वैल्यू आपकी ज्यादा बड़ी है विद रिस्पेक्ट टू दिस वन, तो वन को हटा देंगे, वहां से हटा देंगे तो ओमेगा की वैल्यू जो निकल करके आएगी वो कुछ नहीं होगी, ओमेगा बी इज इक्वल टू वन अपॉन आर इन टू सी एफ, मतलब ये आपकी यूनिटी फ्रीक्वेंसी वाला पॉइंट है। ऐसे ही सॉल्व किया है गौरव या कुछ दूसरे तरीके से? मैम वहां पर सिर्फ ओमेगा बी रखा था। अच्छा, इसलिए अभी जैसे पहले वाले केस में सॉल्व किया ना, ओमेगा ए रख के, मतलब ओमेगा की जगह पे रिप्लेस करके ओमेगा ए देन ओमेगा बी, वो फ्रीक्वेंसी का पॉइंट जहाँ पे कि हमें यूनिटी गेन मिलेगा वो है आपका ओमेगा बी, ओमेगा बी इज इक्वल टू जो मिल रहा है वो हमें वन अपॉन आर सी एफ, मतलब जो डायग्राम होता है उस डायग्राम में जो हमारा ये वाला इनपुट वाला सेक्शन है वहां पे जो रजिस्टर प्रेजेंट है वो रजिस्टर इनटू मल्टीप्लाइड बाय दिस कैपेसिटर, वो आपका होता है यूनिटी गेन वाला पॉइंट, एंड दिस इज आर एफ, ये आर, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन जब होगा उससे जो हमें फ्रीक्वेंसी मिलेगी वो होगी आपकी यूनिटी गेन वाली फ्रीक्वेंसी, और जब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा, उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होकर के जो हमें वन अपॉन आर एफ सी एफ मिलेगा वो होगी 3 dB कट ऑफ वाली फ्रीक्वेंसी। एंड अगर आप लोग गेट के क्वेश्चन उठा करके देखेंगे तो आपको ऑलमोस्ट 4 to 5 क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें डायरेक्ट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पूछी गई है, डायरेक्ट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पूछी गई है ऑफ अ पर्टिकुलर ओपैम बेस्ड सर्किट। ओपैम बेस्ड सर्किट में आपसे ये भी पूछा गया है कि ये एक इंटीग्रेटर है या कैपेसिटर, ये कौन सा सर्किट है, मतलब ये आपको आइडेंटिफाई करना है। तो क्योंकि अब आपने इंटीग्रेटर पढ़ लिया है, आपने कट ऑफ फ्रीक्वेंसी देख ली है कि इंटीग्रेटर एक प्रैक्टिकल इंटीग्रेटर सर्किट की ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, सो नाउ यू कैन सॉल्व दोज क्वेश्चंस। तो प्लीज जाइए और उन क्वेश्चंस को देखिए कि क्या कट ऑफ, जहां भी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पूछी गई है 3 dB कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, वहां आप डायरेक्टली सर्किट देख करके बता सकते हैं कि हाँ इसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ये होगी। इज इट क्लियर? क्लियर है सभी को? यस मैम। अब इसके बाद यहाँ से ये कंक्लूजन निकल करके आता है कि ये जो एफ बी की फ्रीक्वेंसी है डेफिनेटली ये ज्यादा होगी एफ ए से। एफ ए क्या है? एफ ए तो ब्रेक फ्रीक्वेंसी है, कौन ऑफ फ्रीक्वेंसी जो पहले आ जाती है वो वहां पे आती है जहां पे कि आपका गेन 1/√2 टाइम्स होता है। लेकिन एफ बी कब आती है? एफ बी तो बाद में आती है जब जब आपकी गेन की वैल्यू यूनिटी हो जाती है, ग्राफ ऑलमोस्ट आपका जब कर्व डाउन हो जाता है तब। तो इसमें जो रिलेशन बनता है वो क्या होता है कि आपका जो एफ ए वाला पॉइंट है, ये थोड़ा सा इनवर्स मुझे, हाँ जो एफ बी फ्रीक्वेंसी है मतलब जो यूनिटी गेन की फ्रीक्वेंसी है वो 10 times होती है 3 dB फ्रीक्वेंसी की। तो ये जो रिलेशन है वो कहाँ से बनता है? एक्चुअली जो चेंज आ रहा है वो चेंज सिर्फ इस आर में आ रहा है, एक में आपका इनपुट सेक्शन का रजिस्टर है और एक में फीडबैक ब्रांच का रजिस्टर है, और हमें पता है कि फीडबैक ब्रांच के रजिस्टर की वैल्यू हम जानबूझ के ज्यादा रखते हैं। क्यों ज्यादा रखते हैं बता सकता है कोई? फीडबैक ब्रांच में जो रजिस्टर प्रेजेंट होता है उसकी वैल्यू को ज्यादा पुट किया जाता है, क्यों? एनीवन? पहले भी बताया जा चुका है, ये फीडबैक ब्रांच में जो रजिस्टर होता है उसकी वैल्यू को ज्यादा पुट किया जाता है, ऐसा क्यों कोई बता सकते हैं? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो मैम, ताकि गेन ज्यादा मिले, ताकि फीडबैक ब्रांच में कम से कम करंट फ्लो हो, क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होगी तभी करंट की वैल्यू कम होगी, और हम यही चाहते हैं कि आउटपुट से इनपुट में कम से कम सैम्पलिंग हो, क्वांटिटी जो आउटपुट की इनपुट में मिक्स हो रही है वो बहुत ही स्मॉल होनी चाहिए, उसके लिए जो फीडबैक ब्रांच में करंट फ्लो हो रही है वो कम होनी चाहिए, और इसलिए
फीडबैक ब्रांच का रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए. इज इट क्लियर? ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये छोटे छोटे पॉइंट हैं जिससे कि आप लोगों के डाउट्स क्लियर होते हैं. जब आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं, अगर ये चीजें पता होंगी तो आप लोग ज्यादा अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. मतलब अगर क्या होता है कि हम गलत सॉल्व करते जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है. क्यों पता नहीं चलता? क्योंकि हमें प्रॉपर कॉन्सेप्ट के बारे में पता ही नहीं होता. अगर आप सॉल्व कर रहे हैं और आपको पता है कि अरे यहाँ पे आरएफ की वैल्यू तो मुझे कम दिख रही है, दैट मीन्स इट इज नॉट करेक्ट, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है. जब आप सॉल्व करने जाते हैं, 3 dB फ्रीक्वेंसी निकालने जाते हैं, 3 dB फ्रीक्वेंसी में आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ पे हमें कौन सी फ्रीक्वेंसी कम मिलेगी, कौन सी फ्रीक्वेंसी ज्यादा मिलेगी. यूनिटी गेन वाली फ्रीक्वेंसी डेफिनेटली ज्यादा होगी. क्यों? क्योंकि यूनिटी गेन का पॉइंट बाद में आता है और 3 dB कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का पॉइंट पहले आता है. और ये इस चीज से भी वैलिडेट हो जा रहा है कि आप ये भी देख सकते हैं कि दोनों का जब डेरिवेशन करके देखा हमने, तो ऑटोमेटिकली जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, 3 dB कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का पॉइंट है, उसमें आरएफ टर्म प्रेजेंट हो रही है. क्यों? क्योंकि आरएफ की वैल्यू ज्यादा होती है. और अगर ये ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली 1/ डिनोमिनेटर की वैल्यू ज्यादा, तो ये ओमेगा की वैल्यू कम हो जाएगी. और दूसरे वाले केस में आर प्रेजेंट हो रहा है जो कि इनपुट का रेजिस्टेंस है, और आर की वैल्यू हमें पता है कम होती है, तो ऑटोमेटिकली यूनिटी गेन वाली फ्रीक्वेंसी जो है वो बाद में आएगी, ज्यादा हो जाएगी. ये है. इज इट क्लियर? क्लियर है सभी को? यस मैम. इस तरीके से एक इंटीग्रेटर सर्किट पढ़ लिया, और इस इंटीग्रेटर सर्किट में आरएफ और सीएफ का बहुत ही मेजर रोल होता है जब भी इंटीग्रेटर को डिजाइन किया जाता है. और इसमें भी क्राइटेरिया होता है कुछ कुछ. कैसे क्राइटेरिया? जैसे कि जो हमारा इनपुट सिग्नल है, जैसे आपने स्क्वायर सिग्नल दिया, उस स्क्वायर सिग्नल का टाइम पीरियड जो है इस आरएफ इनटू सीएफ से ज्यादा या बराबर होना चाहिए, तभी वो सिग्नल जो इनपुट में आ रहा है वो प्रॉपरली इंटीग्रेट होगा. क्यों? क्योंकि आरएफ इनटू सीएफ भी तो एक टाइम पीरियड ही है, एक टाइम कांस्टेंट है. तो इससे हमें रिलेट करके ही इनपुट सिग्नल को देना होगा, अदरवाइज हमारा जो सिग्नल है इनपुट में वो इंटीग्रेट नहीं होगा. ये है. क्लियर है सभी को? ये क्लियर है सभी को? तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन सभी लोग नोट डाउन करिए, सभी को करना है. एक बार सभी लोग प्रेजेंट तो बोल दीजिए. तो सभी प्रेजेंट मैम दे रही हूँ मैं. प्रेजेंट मैम. 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 प्रेजेंट के लिए प्रेजेंट मैम. जो ज़्यादा वो बोले. यस प्रेजेंट मैम. आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है. मानते हैं.